अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से हैं। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कीकर की फली के फ़वाद। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीकर की फली के फ़वाद के बारे में और इसके बेहतर इस्तेमाल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इस नुस्खा के जो आज आपके साथ शेयर करेंगे उसके चंद फ़वाद आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों कीकर की फली के जो फ़वाद हैं इसका, इस नुस्खे का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है जी कुव्वत बाह को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा मर्दाना टाइमिंग को बेइंतहा बढ़ा देता है। इसके अलावा मर्दाना जरासीम को तेज़ करता है, ठीक है जी, उनकी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। मर्दाना जरासीम की जो कमी होती है उसको पूरा करता है, टाइमिंग को बढ़ाता है। इसके अलावा मर्दाना मनी को जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करता है, जरियान एहतलाम की शिकायत को दूर करता है, मेदे और जिगर को ताकत देता है और इसके साथ साथ भूख की कमी को भी दूर करता है। दोस्तों ये इस नुस्खा के फ़वाद हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के नुस्खा की। तो नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर है। फली कीकर खुश्क आपने 50 ग्राम ले लेनी है। ये आपको ना पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी पोस्ट मोलसरी, ठीक है जी। ये इसकी तस्वीर भी आपको बाकायदा दिखाई जा रही है। इसी तरह का आपने 50 ग्राम पंसार स्टोर से पोस्ट मोलसरी ले लेना है। इसके अलावा इसमें आपने इस्तेमाल करना है 57, ठीक है जी, ये आपने 50 ग्राम लेना है। इसके अलावा अगली चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी मोचरस, ठीक है जी, ये गूंद होता है एक दरख्त का, ये भी आपने 50 ग्राम ले लेना है। आपका नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। बात करते हैं नुस्खा तैयार करने की, इसको तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों बताई गई तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से साफ़ करना है, इनका वज़न पूरा कर लेना है, ठीक है जी। 50-50 ग्राम सारी चीज़ों का वज़न पूरा करें। इनको किसी ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छे से पीस कर इनका पाउडर जैसा सफूफ बनाएं और उसको छान कर जो है ना किसी जार में महफूज कर लें। आपकी मेडिसिन मुकम्मल तौर पर तैयार है। बात करते हैं मेडिसिन इस्तेमाल की, इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों ये मेडिसिन आपने एक चाय वाला चम्मच शाम 5 बजे यानी कि असर के टाइम आपने एक चाय वाला चम्मच एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक महीने के इस्तेमाल के अंदर अंदर आपकी ये जितनी भी मैंने अमराज बताई हैं, मर्दाना पोशीदा जितनी भी अमराज हैं, मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़बरदस्त टोटका, ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।